आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं तो शो करिए पैरेललोग्राम अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो क्या दे रखा है हम लोगों को, हम लोगों को बोला है कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक कंडीशन के साथ में कि इस पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स हैं, देखो पहला क्या है ए सी और दूसरा डायगोनल क्या है बी डी, तो अगर इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो यही पैरेललोग्राम अपने आप में क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, अब बेटा हम लोगों को ए बी सी डी क्योंकि एक पैरेललोग्राम दे रखा है और हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो सिंपली हम लोग क्या कर दें, इस पैरेललोग्राम का सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का शो कर दें, और जैसे ही 90 डिग्री का शो करेंगे तो इतना काफ़ी होगा इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहने के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल। ठीक है ना, तो चलिए यही करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा, बी डी सी। इसका मतलब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ना इनको डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। करेक्ट, तो अब हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स को कलर कर दिया जिससे कि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए मेंशन कर देते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं। सो इन ट्राइंगल पहला कौन सा, रेड ट्राइंगल ए डी सी, और दूसरा ग्रीन ट्राइंगल क्या नाम है उसका, ट्राइंगल बी सी डी। करेक्ट, सो ये वाला ट्राइंगल रेड है और ये हम लोगों का ग्रीन ट्राइंगल है, इन दोनों को हम लोग कर रहे हैं कंपेयर। जब बेटा हम लोग रेड ट्राइंगल की इस साइड को लेके चले तो ये साइड किसके इक्वल होगी, ग्रीन ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स, और क्योंकि आमने सामने की साइड्स हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। इस पॉइंट को मैंशन कर देते हैं, तो पहला पॉइंट निकल के आता है क्या कि ए डी किसके इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं किसकी, अपोजिट साइड्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, और अपोजिट साइड एक पैरेललोग्राम की कैसी होती है, इक्वल होती है। एक पॉइंट हम लोगों को मिला, राइट। दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए तो इस रेड ट्राइंगल की ए सी साइड इस ग्रीन ट्राइंगल की बी टी साइड के इक्वल है। क्यों, ऐसा तो बोला है क्वेश्चन में कि ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल है, राइट ना। मेंशन कर देते हैं दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये है गिविन कंडीशन, ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो इस रेड ट्राइंगल और इस ग्रीन ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में ये साइड है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स में तो ये साइड कैसी है, कॉमन है, और कॉमन है तो इक्वल होगी। मेंशन कर देते हैं, मतलब रेड ट्राइंगल की डी सी साइड ग्रीन ट्राइंगल की डी सी साइड के इक्वल होगी, और इसका रीज़न क्या है कि दोनों में कॉमन साइड है तो ऑब्वियसली इक्वल होगी। अब देखिए हम लोगों के पास कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। क्या इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर कोई भी क्राइटेरियन सेटिस्फाई होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, यस। तो उसके लिए हम लोग क्या देखें, किसी भी सिर्फ एक ट्राइंगल को पकड़ें। तो अभी हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, रेड वाला। तो रेड वाले की देखिए इस साइड को कंसीडर किया, इस साइड को कंसीडर किया, और इस साइड को, मतलब ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स फिर कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मेंशन कर देते हैं, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, बी सी डी, और क्राइटेरियन कौन सा, ट्रिपल एस क्राइटेरियन। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्राइंगल का एंगल डी किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल होगा। पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, इसको पूरा नाम दें तो एंगल बी सी डी के इक्वल होगा। जरा मेंशन करते हैं, ए डी सी, ए डी सी कहने का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, और जब हम लोग कह रहे हैं बी सी डी तो बी सी डी का मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए इस एंगल को हम लोग कह देते हैं 1 और इस पूरे एंगल को हम लोग कह देते हैं 2, ठीक है। तो हम लोग रख सकते हैं इसकी जगह पे एंगल 1 और इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल 2, और ये इक्वल क्यों थे, सी पी सी टी की वजह से, ठीक है, राइट। तो एंगल 1 अब किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको पॉइंट नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं।
अब हम लोग फिर से आते हैं इस फिगर पर, तो ए बी सी डी क्या है, अपने आप में एक पैरेललोग्राम है और एंगल वन और एंगल टू इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, और जब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस पॉइंट को मैंशन कर देते हैं, तो मेंशन करते हैं यहाँ पे नाउ एंगल वन प्लस एंगल टू दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के, और रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, तो चाहे हैं तो एंगल टू की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल वन रख सकते हैं, रख देते हैं। तो वन को तो हम लोगों ने एज इट इज लेके चल रहा है, और एंगल टू की जगह पे हम लोगों ने रख दिया एंगल वन, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। एंगल वन और एंगल वन कितना हो गया, टू एंगल वन, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन इधर ही रखिए, टू को कर दीजिए ट्रांसपोज, तो 180 अपॉन में जाएगा, टू कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब एंगल वन निकला है कितना, 90 डिग्री का। मतलब ये एंगल जो डी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सो अब ए बी सी डी क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये पैरेललोग्राम अब क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो लिखते हैं नाउ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद वन राइट एंगल। और अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। इसलिए क्या है, एक रेक्टेंगल है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।